फ्रेंड्स, वेलकम टू एके ऑनलाइन क्लासेस। इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। आज के इस क्लास में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन के बारे में हम लोग समझेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन को समझने से पहले हम लोग वेरिएशन को समझेंगे। वेरिएशन दैट मीन्स वेरी प्लस एशन, एशन दैट मीन्स किसी एक्शन को, किसी भी क्रिया को दिखा रहा है। दैट मीन्स वेरी, वेरी दैट मीन्स चेंज, मतलब किसी भी अमाउंट में चेंजेस वेरिएशन होगा, किसी पोजीशन में चेंजेस, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजेस वेरिएशन होगा। जैसे कि टाइम चेंज कर रहा है, मतलब टाइम वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे वेरिएशन में वेरी जो है रूट वर्ड है। तो चेंज फ्रॉम वन कंडीशन फ्रॉम और फ्रॉम और अ स्टेट टू अनदर, मतलब कि किसी भी फॉर्म में पहले वो एग्जिस्ट कर रहा था, उसका कंडीशन में चेंज आ गया, मतलब कि वेरिएशन हो गया। इसका मीनिंग होता है, इट गिव्स द आइडिया अबाउट अ चेंज स्पेशली इन द अमाउंट और लेवल ऑफ समथिंग। ठीक है, यहाँ पे इस वेरिएशन को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हुए हम लोग ये समझेंगे, मेल्टिंग ऑफ आइस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे ये है, ए पीस ऑफ आइस है जो कि ये सन है, जो कि एक कंटेनर में रखा गया है सन के लाइट में। जब टाइम टू टाइम ऑब्जर्वेशन किया जाता है इस आइस का, तब पता चलता है कि इसका साइज जो है डिक्रीज करते जा रहा है, मतलब कि आइस टू वाटर यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, मतलब आइस जो है वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये आइस का जो पीस है उसका साइज में जो वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे कि आफ्टर 30 सेकेंड्स इसका साइज जो होगा इससे कम होगा, आफ्टर 60 सेकेंड्स ये दोनों के कंपैरिजन में और भी छोटा होगा, यहाँ पे साइज में वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, मतलब कि अमाउंट में वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ एनी क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर, मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये वेरी कर रहा है, तो टाइम को हम लोग पैरामीटर कहेंगे। ठीक है, और भी एग्जांपल्स को हम लोग कंसीडर करते हैं। ये सेकेंड एग्जांपल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क बिटवीन अ नंबर ऑफ पीपल इक्वली। तो यहाँ पे ए नंबर ऑफ पीपल पैरामीटर्स होगा, वो कैसे आइए समझते हैं। ये 100 ml का ये मिल्क है, सॉरी 100 लीटर है, तो इसका अमाउंट 100 लीटर है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अ नंबर ऑफ पीपल में, यहाँ पे दो पीपल को यहाँ पे कंसीडर किया गया है, तो दो पीपल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 50-50 होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल जो होगा वो 4 होगा, तब यहाँ पे 25-25 इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे एक पीपल को और बढ़ा दिया गया है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पीपल जो होगा वो 5 होगा, तब 20-20 होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि पीपल वन को इस कंडीशन में 50 लीटर मिल्क मिल पा रहा था, यहाँ पे 25 लीटर मिला, फिर यहाँ 20 लीटर मिला, मतलब कि मिल्क के अमाउंट में यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है। पीपल वन को पहले कुछ मिल रहा था, अब कुछ मिल रहा है। यहाँ वेरिएशन का मतलब सिर्फ डिक्रीजिंग नहीं, बल्कि कुछ इंक्रीजिंग भी अगर हो रहा है किसी भी अमाउंट में, तब वो भी जो होगा वो वेरिएशन होगा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हुए यहाँ हम लोग समझते हैं, एक ब्लॉक है जिस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, तब ये मूव करेगा, लेकिन कुछ इसके पास वेलोसिटी होगा, मूव करने का मतलब कुछ वेलोसिटी होना। जब ये वेलोसिटी यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड है,
इस फोर्स का अमाउंट सेकेंड केस में बढ़ा दिया गया है 6 न्यूटन। जब ये 6 न्यूटन कर दिया गया तो इसका मूवमेंट जो होगा और तेज हो जाएगा और वेलोसिटी जो होगा 3 मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंजेज आ रहा है किसके कारण, फोर्स के इंक्रीमेंट के कारण। मतलब फोर्स को अगर इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी भी इसका इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, फोर्स यहाँ पे पैरामीटर्स होगा। मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहा है किसके कारण, तो फोर्स के कारण। वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है फोर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स जो होगा पैरामीटर होगा और ये क्वांटिटी होगा। अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेरिएशन पे बात करेंगे। हमने अभी समझा कि वेरिएशन जो होता है वो किसी पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट के केस में हम लोग वेरिएशन को दो बेसिस पे स्टडी करेंगे। एक तो डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा इनडायरेक्ट वेरिएशन। मतलब कि क्वांटिटी के अमाउंट कोई भी क्वांटिटी है उसका अमाउंट में चेंजेस आना, अगर डायरेक्टली वो डिपेंड करता हो पैरामीटर पे तो वो डायरेक्ट वेरिएशन होगा, और अगर डायरेक्ट नहीं बल्कि रिवर्स वे में अगर डिपेंड करता हो तब वो इनवर्स वेरिएशन होगा। डायरेक्ट वेरिएशन को यहाँ पे डिफाइन किया गया, द वेरिएशन इन विच क्वांटिटी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन पैरामीटर। जैसे कि अगर एक्स पैरामीटर है तो एक्स की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो क्वांटिटी का जो है अमाउंट जो है वो भी बढ़ता जाएगा, अगर घटा देंगे तो ये भी घट जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन डायरेक्टली डिपेंड करेगा, क्वांटिटी डायरेक्टली डिपेंड करेगा पैरामीटर पे। तो यहाँ पे इसका कंडीशन बनाने के लिए हम लोग इस तरह से कंसीडर करें, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग पढ़ते हैं। तो एक्स वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन को हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट हम लोग देते हैं, तो कांस्टेंट जब हम लोग लगा दिए तो यहाँ पे फाइनली एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के होगा, क्योंकि वाई इस साइड में है, जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो यहाँ पे इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कांस्टेंट जो है वो एक्स अपॉन वाई, मतलब वाई से अगर ये डिवाइड करेंगे एक्स को तब यहाँ पे जो बनेगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इसका एप्लीकेशन हम लोग प्रॉब्लम्स को कर लेंगे, उस समय बेहतरीन ढंग से समझेंगे। इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन इनवर्सली डिपेंड करेगा, द वेरिएशन इन विच क्वांटिटी इनवर्सली डिपेंड्स ऑन पैरामीटर। मतलब क्वांटिटी अगर इंक्रीज करेगा, पैरामीटर अगर डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी इंक्रीज करेगा, पैरामीटर अगर इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिक्रीज करेगा। ठीक पैरामीटर के उल्टा रिएक्शन होगा क्वांटिटी के अमाउंट पे, ठीक है। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन था लेकिन यहाँ पे इसे इन्वर्सली प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग रीड करेंगे एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। बट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन के केस में हम लोग पढ़ें तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y, ये पढ़ेंगे। प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो कांस्टेंट डालेंगे, तो कांस्टेंट जब भी लगाएंगे तो वो मल्टीप्लीकेशन के केस में होगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर इसको हम मान रहे थे, इसे ओवरऑल को अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन मानते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में के लगाएंगे तो के इंटू 1/y लिखेंगे, मतलब कि यही बचेगा। तब अगर इस केस में एक्स इंटू वाई अगर हम करेंगे, वाई को लेफ्ट साइड में अगर लाएंगे तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू के होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हम लोग देख पा रहे थे अगर y से डिवाइड कर रहे थे x को तो जो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, और इस कंडीशन में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये कंडीशन है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये कंडीशन है। इसका हमें एग्जांपल में बखूबी समझ आएगा। हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट एंड सेकेंड दो क्वेश्चन को हम लोग कंसीडर करेंगे। फिल इन द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल्स इफ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली। मतलब कि एक्स और वाई दोनों डायरेक्टली डायरेक्ट वेरिएशन में है, तब डायरेक्ट वेरिएशन का जो कंडीशन बताए वो अप्लाई करेंगे। इसका रेशियो 6/18, इसका
एट अपॉन कुछ नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पे 12 अपॉन ये भी ब्लैंक है, यहाँ पे 63 अपॉन यहाँ पे भी ब्लैंक है, तो ये फाइंड करना है। तो इसका रेशियो तो निकल सकता है, इसका रेशियो नहीं निकल सकता है, लेकिन इसका हम निकाल सकते हैं। तो फाइनली डिवाइड करेंगे, मतलब कि 1:3 के रेशियो में ये वैरी कर रहा है, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये 3 है, ये 1 है, 8 जो है इसको 1 हम लोग कहेंगे, तो 8 को हम लोग 1 कहेंगे, तो 1 8 के इक्वल है, तो 3, तो 8 इंटू 3 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 24, यहाँ पे फाइनली 24 आ जाएगा, 24 आएगा। 1 की वैल्यू यहाँ पे 12 दे रखा है, तो 3 का 12 इंटू 3 करेंगे तो 36 आएगा, यहाँ पे 36, ठीक है। 1 की वैल्यू 63 दिया है, 63 दे रखा है, तब 3 की कितनी होगी, तो 1 की 63, तो 3 की 63 इंटू 3 विल बी, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। हम ये तो यहाँ पे डायरेक्टली हम बता दिए, बट इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, बट एग्जाम में हमें डायरेक्ट नहीं करना। तो डायरेक्ट नहीं करने के लिए यहाँ पे हम लोग इस प्लेस पे जो भी वैल्यू हो वो हम लोग मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे y है तो यहाँ पे y डैश मान लेंगे, x है तो x डैश मान लेंगे। अब रेशियो बनाओ, अब रेशियो यहाँ पे आप बनाओगे तो 6/15 इज इक्वल टू 8/20, क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। 10/y डैश इज इक्वल टू 6/40, चाहे तो डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं। पहले ये रेशियो बनाओ, 3 2 6, 3 5 15, रेशियो क्या बना, 2:5, 2 की वैल्यू 8, यहाँ पे देखो 2 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू 4, तो 5 की वैल्यू, यहाँ पे तो दे रखा है इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे निकालना था 2 की वैल्यू 10, 2 की वैल्यू 10 दे दिया है, तो यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है, रेशियो 5 का बन रहा है, तो 1 का क्या होगा, तो 1 का यहाँ पे 5 होगा, तो यहाँ पे है कितना y है, मतलब कि यहाँ पर 2:5 है, तो 5 के लिए हम लोग निकालेंगे, तो 5 इंटू ये कितना आया, ये 5 आया, तो 25 आ गया, मतलब कि y डैश का वैल्यू यहाँ पे 25 आ जाएगा। उसी प्रकार इसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग एग्जाम में जो करेंगे वो 6/y के फॉर्म में, 6/y लिखेंगे इज इक्वल टू 6/15 इज इक्वल टू, इसे हम नहीं लिखेंगे, इसे लिखें या इसे लिखें, लिख भी सकते हैं, चलो कंसीडर करते हैं, 8/20 इज इक्वल टू 10/y डैश इज इक्वल टू 6/40। अब जो रेशियो आएगा, सपोज इसको और इसको हम कंसीडर करेंगे, 6/15 इज इक्वल टू 10/y डैश, तो यहाँ पे y डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, y को इधर भेजेंगे तो y डैश इज इक्वल टू 10 × 15/6, ठीक है, 3 2 6, 3 5 15, 2 5 10, यहाँ पे 25, यही तो 25 आया था, एग्जाम में ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये सेकेंड, ये हमें फाइंड करना है, तो फिर इसी को हम लोग कंसिडर करेंगे, 8/20 इज इक्वल टू 6/40, तो 6 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको अगर ये साइड भेजेंगे तो 8 × 40 डिवाइडेड बाई 20, ये 2
ये 32, मतलब कि x डैश की वैल्यू 32 एंड y डैश की वैल्यू 25 होगा इस केस में, ठीक है। तो डायरेक्ट वेरिएशन का प्रॉब्लम अगर टेबल में दिया हो तब तो ठीक है, हम लोग इजिली निकाल लेंगे, सॉल्व कर सकेंगे, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम्स में दे रखा है तब क्या करना चाहिए, उस कंडीशन में हम लोग पहले प्रॉब्लम्स से टेबल को हम लोग बनाएंगे, टेबल्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसमें हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या हमें निकालना है, तो वहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, थैंक यू। एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेरिएशन, यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन के केस का यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स को हम लोग कंसिडर किए हैं। यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ स्टाम्प्स और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ स्टाम्प्स दिया है, तब हम कहे थे ये पैरामीटर, ठीक है, और क्वांटिटी का रेशियो जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये नंबर ऑफ स्टाम्प्स, ये कॉस्ट ऑफ स्टाम्प्स। अगर स्टाम्प्स हम बढ़ाते जाएंगे तो कॉस्ट क्या है, चेंज होते जाएगा, तो जब कॉस्ट यहाँ पे इसका चेंज कर रहा है, इसका ये मतलब पैरामीटर्स को अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो ये भी बढ़ते जा रहा है, तो ये तो वेरिएशन हो रहा है, बट कौन सी वेरिएशन हो रहा है, तो इसका रेशियो निकालेंगे, 1/2 आ गया, इस केस में 2/4 आ गया, इस केस में 3/6 आ गया, तो क्या रेशियो इक्वल है, ये डिवाइड करेंगे, मतलब कि इस केस में 1/2, यहाँ 2 होगा, is equal to 1/2, यहाँ पे तो रेशियो इक्वल आ गया, तब ये एग्जाम्पल जो हुआ वो डायरेक्ट वेरिएशन का हुआ। तो कांस्टेंट हमेशा अलग अलग कंडीशन में लेंगे, और अगर डायरेक्ट वेरिएशन में सब लाई कर रहा है तो फाइनली जो होगा रेशियो सेम आएगा। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है अमाउंट ऑफ फोर्स, ये दिया है ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि फोर्स का अमाउंट किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम बढ़ाएंगे तब उसका वेलोसिटी चेंज करेगा, तो किस रेशियो से, किस कांस्टेंट से, मतलब कि उसका वेलोसिटी किस तरह से चेंज करेगा, यहाँ पे इसका भी रेशियो हम लोग कंसीडर करेंगे, ये 4/8, ये 6/12, तब आप देख पा रहे होंगे 1/2 ही आएगा, इसका रेशियो 1/2, 1/2, 1/2, यहाँ पे ये भी इक्वल आ गया। तो ये वेरिएशन जो इस तरह का आया ये डायरेक्ट वेरिएशन। अब यहाँ पे कहीं कहीं पे ये कर सकता है कि ये नंबर मिसिंग कर देगा, ये नंबर मिसिंग कर देगा, फिर कहेगा ये जो प्रॉब्लम्स दिया गया है, ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस है ये सब डायरेक्ट कंडीशन, मतलब कि डायरेक्ट वेरिएशन में, तब हमें इस प्लेस पे क्या होगा वैल्यू वो फाइंड करें, तो उस कंडीशन में भी हम लोग रेशियो निकालेंगे और रेशियो को इक्वल करेंगे, वहां से हमें फाइनली पता चल जाएगा कि इस प्लेस का